हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं ग्रामीण भारत में दोस्तों ग्रामीण भारत में पर्यावरण स्थिति के विषय में जानकारी एकत्रित कर ये मतलब एक रिपोर्ट लिखें और दोस्तों उदाहरण के लिए विषय कीटनाशक घटता जलस्तर तटीय क्षेत्रों में ही खेती का प्रभाव भूमि का मतलब लबड़ी काड तथा नहर सिंचित क्षेत्रों में पानी का जमाव जैविक विविधता का ह्रास चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों आंसर है कि दोस्तों सहायता दोस्तों सहाय सहायार मतलब सहायता एक विषय पर जानकारी दी जा रही है दोस्तों घटता जलस्तर दोस्तों आज विश्व में दोस्तों आज विश्व में कृषि योग्य भूमि में अब दोस्तों कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तथा जो उपजाऊ भूमि है उसकी उर्वरता कम हो रही है और जलाशयों की जलराशि कम हुई है साफ पानी भी कुछ भागों में कमी हो रही है और विश्व के हर हिस्से में जल अत्यंत तो महत्वपूर्ण है जल के बिना जीवन संभव नहीं है और प्राचीन सभ्यताएं सदा नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं दोस्तों आज अन्य देशों की तरह भारत में भी जल स्तर घट रहा है और कई गांवों में पीने दोस्तों पीने योग्य स्वच्छ जल न के बराबर उपलब्ध है और आर्थिक विकास औद्योगिकरण तथा जनसंख्या सब जल अधिक मांगते हैं जिससे जल चक्र बिगड़ रहा है दोस्तों भारत में जल के प्रमुख स्रोत वर्षा तथा हिमपातें आज शहरों में ही नहीं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संकट की समस्या बद से बदतर हुई है दोस्तों अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान तमिलनाडु में जल संकट बढ़ रहा है और दोस्तों भू जल स्तर गिरने का एक कारण दोस्तों जल का अंधाधुंध दोहन भी है हालांकि भारत ने तैतालीस ब्लॉकों में भूजल दोहन पर पाबंदी लगा दी है जिन क्षेत्रों में गाँवों में जल के पुनर्भरण की समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ कुए सूख गए हैं और हरित क्रांति काल में संचित हेतु दोस्तों सिंचाई हेतु अत्यधिक नलकूप हैंडपंप सेट लगाए गए तथा प्रतिदिन भूमिगत पानी की निकासी बढ़ती गई उससे जल स्तर नीचे गिर गया और भारत सरकार ने जल प्रबंधन की नीतियां बनाई तथा एक अप्रैल 2002 दु को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 दु को लागू किया और जल स्तर घटने का एक कारण पानी का बिकना भी है दोस्तों नई नई कंपनियां पानी बेचने के लिए आगे आ रही हैं ये संयंत्र लाखों लीटर पानी की बर्बादी करते हैं दोस्तों भारत सरकार ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मतलब करने हेतु प्रयत्न किए फिर भी ग्रामीण घरों में मात्र बीस प्रतिशत पानी की बुने मतलब पीने का पानी ही पहुँचता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रों को जल न पहुँचने के कारण अनेक योजनाएं बनाई गई उन्नीस से तिहत्तर में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना प्रारंभ की और दोस्तों उसको राष्ट्रीय पेयजल मिशन उन्नीस मतलब उन्नीस का रूप दिया गया और तथा उन्नीस में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम दिया दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ में तब तक कि नमस्कार जय जैन जोह बंदमात्र